नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 11वां पाठ रहीम के दोहे का एक अतिरिक्त प्रश्न याद करेंगे। रहीम जी के दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह पद्य भाग रहीम के दोहे रहीम जी द्वारा रचित है। रहीम के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय तो देते ही है, साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। हमें उनके दोहों से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर सच्चे मित्र को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। जो मित्र मुसीबत के समय साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। हमें भी दूसरों का साथ देना चाहिए और सच्चा मित्र बनना चाहिए। हमें भी सच्चा प्रेम या भक्ति मछली की भांति करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल या विपरीत, हमें मछली की भांति करनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति अनुकूल या विपरीत, हमें मछली की भांति करनी चाहिए। हम भी सज्जन व्यक्ति की तरह धन इकट्ठा करके दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। हमें भी परोपकार करना चाहिए। कुछ लोग पुरानी अच्छी बातें याद करते रहते हैं, कवार के खोखले बादलों की तरह अपने पुराने समय की संपन्नता या सुख के बारे में नहीं भूलना चाहिए, उनका कोई फायदा नहीं होता। अतः हमें वर्तमान में रहकर मेहनत करनी चाहिए। रहीम जी ने अपने दोहे में यह भी शिक्षा दी कि धरती इतनी सहनशील है कि वह सभी मौसम सहन कर लेती है। इंसान यानी मनुष्य को भी अपना शरीर ज़्यादा सुखमय ना बनाकर मेहनती व सहनशील बनाना चाहिए। हर परिस्थिति में सुख व दुख दोनों में समान भाव में रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।